मैं प्रिया आपके साथ। स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा, एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा। बैंक ने यह भी कहा कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।